नहीं खाना? पेट भर गया आपका? नहीं खाना? नहीं तो दे दो पापा को। लाओ मेरे को दे दो, पापा को दे दो। गुड। मेरा बेबी 1 ईयर का है, मेरा बेबी कौन सी इंस्ट्रक्शन समझ सकता है? तो आपका बेबी जो है वो 10th month onwards नो इंस्ट्रक्शन समझना स्टार्ट कर देता है। नो एक ऐसा वर्ड है जो आपका बेबी समझता भी है एंड थोड़ा थोड़ा अब वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे जब वो 1 ईयर के हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 11 month से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है 13-14 month से ये एक्सप्रेशन स्टार्ट कर, जब वो हेड नॉड करके आपको नो बोलेंगे या फिंगर दिखाकर नो बोलेंगे। एंड ये बच्चे सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से। तो नो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आपकी बेबी अगर मना कर रहे हैं कि उन्हें वो चीज़ नहीं खानी, नहीं करनी है, तो आपको उनकी नीड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उनको ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अगर उन्होंने मना किया है तो आप उनकी बात को मान रहे हैं। इसी से बच्चे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन सीखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कैसे सिखाना है, अभी आपका बेबी नहीं करता है, तो वर्ल्ड फेमस राइम है जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, आप ये भी कर सकते हैं। मैंने अपनी डॉटर को ऐसे ही सिखाया था और आप भी ऐसे ही सिखा सकते हैं। बहुत सारे और तरीके भी होते हैं कि फैमिली में आपने किसी को कुछ ऑफर किया एंड उन्होंने मना करके दिखाया, तो आपका बेबी उसे ऑब्जर्व करता है। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, बच्चे अपनी इन्वायरमेंट से बहुत चीज़ें सीखते हैं और जेस्चर और साइन लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है बेबी को टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करने में। तो और भी ऐसे कोई वेज अगर आपको पता है तो कमेंट्स करिएगा ताकि मैं और पेरेंट्स भी आपसे लर्न कर सकें। जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।